नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली नए कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा सिंगो बॉर्डर पर बैठे किसानों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सिंगो बॉर्डर पर किसानों ने एक संदिग्ध शूटर को पकड़ा है। मीडिया से बात करते हुए उस कथित शूटर ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि 26 जनवरी को कुछ गलत होने पर मंच पर बैठे चार किसान नेताओं को गोली मारने के उसके आदेश दिए गए थे। पकड़े गए शूटर ने दावा किया है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में वह गोली चलाकर माहौल खराब करने की साजिश रचने वाला है। किसानों ने कल रात जिस संदिग्ध को पकड़ा है उसने बताया कि 23 से 26 जनवरी के बीच किसान नेताओं को गोली मारी जानी थी और महिलाओं का काम लोगों को भड़काना था। शूटर ने कबूल किया उसने जाट आंदोलन में भी माहौल बिगाड़ने का काम किया है। संदिग्ध ने खुलासा किया कि प्रदर्शनकारी किसान हथियार लेकर जा रहे हैं या नहीं ये पता लगाने के लिए दो टीम लगाई गई है। शूटर की ओर से बताया गया कि 26 तारीख को जब चार किसान नेता मंच पर बैठे होते उसी वक्त गोली मारने के आदेश उसे दिए गए थे। इसके लिए शूटर को चार लोगों की तस्वीर भी दी गई। शूटर ने बताया कि वह 19 जनवरी से सिंगो बॉर्डर पर है। उसने बताया कि जब 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालते तो वह किसानों के साथ ही मिल जाता। अगर प्रदर्शनकारी परेड के साथ निकलते तो हम उन पर फायर करने के लिए कहा किया था। सिंगो बॉर्डर पर पकड़े गए शूटर को क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी का नाम योगेश है और वह सोनीपति के न्यू जीवन नगर का निवासी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नवी फेल है और उसका अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दो जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधारा के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है। ठीक है, इसमें चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को स्टेज पे जो चार लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। चार लोगों की फोटो दे दी गई है और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राई थाने का एसएचओ है। वो राई थाने का कौन है, थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है। राई थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आके देखा नहीं। जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहां कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के गया था उसका। हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर, नेताओं की फोटो कौन कौन थे सर? उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर हमारे पास नहीं है।